नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है, पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इम्फाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इम्फाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे वन का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। पहले जब एक्सपोर्ट की बात होती थी तो देश के गिने चुने शहरों का ही नाम सामने आता था, लेकिन अब इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल के जरिए मणिपुर भी व्यापार और एक्सपोर्ट का एक बड़ा केंद्र बनेगा, आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। और कल देशवासियों ने खबर सुनी है, आजादी के बाद पहली बार कल देश ने $300 बिलियन का एक्सपोर्ट करके एक नया विक्रम स्थापित कर दिया। छोटे छोटे राज्य भी उसमें आगे आ रहे हैं।